काम हो जाओगे तो मुझे मौका मिलेगा कुछ बोलने। आप सवाल फिर से करेंगे? वेल, ये अर्चना जी की खास क्रिएशन है शॉपर के लिए, और पहले उन्होंने मुझे कुछ मेरा वर्क का लहंगा दिखाया था, और फिर अचानक फोन आया कि अमीषा मैंने एक खूबसूरत बहुत लाल रंग का लहंगा आपके लिए खास बनाया है, आप किसको ट्राई करो। तो मैं उनकी वर्कशॉप पहुंची और मैंने ट्राई किया, मैंने बोला इतना खूबसूरत है और लोगों ने मुझे लाल रंग में एक दुल्हन की तरह देखा नहीं है। हाँ, बड़े पर्दे पे देखा है, लेकिन वो अलग तरीके के, काफी अच्छा हो गया। और ये मॉडर्न तरीके के जो आजकल की दुल्हन होती है, और इतना खूबसूरत काम, और इनके कपड़े जो खूबसूरती है एक लड़की की, वो और भी बढ़ा देती है। तो बहुत कम करना पड़ता है और आप अचानक लगते हो कि इनके कपड़े कितने खूबसूरत हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं रानी हूँ और उतर रही हूँ पालकी से। ये फिर से अर्चना जी की माइंड का जादू था, उनका क्रिएटिव माइंड जो 24 घंटे चलते ही रहता है। और जब उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा करेंगे अमीषा और ऐसा करेंगे, तो मैंने बोला बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ अलग, नॉर्मल रैंप में आप चलते हो, आप आते हो, आप रुकते हो, आप मीडिया के सामने तस्वीरें देते हो, लेकिन एक पालकी में आना और इतना खूबसूरत लगना, मुझे लगा कि बहुत ही यूनिक आइडिया था। नेकलेस की बात करें, बहुत ही अलग नेकलेस लग रहा है, इसलिए उन्होंने अवार्ड जीता है। और ये खासियत है कि इनकी कारीगरी जो की गई है इतनी खूबसूरती से, तो ये माना ही था कि उनको जीतना ही था, इतनी मेहनत से बनाया गया है। इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी कि कढ़ा पहने या इयररिंग्स पहने, क्योंकि नेकलेस ही अपने आप में ही इतनी बेहतरीन नेकलेस है कि पूरी खूबसूरती और आंखें इसमें चली जाती हैं। अर्चना जी, आपका कहना चाहिए, क्या देखा आपने अमीषा में? और मुझे हमेशा से ही अमीषा बहुत ही खूबसूरत लगती है, और उन्होंने जो केदार हमेशा अपनी मूवीज में किया था, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो मैंने उनके लिए पहले एक मिरर वर्क लहंगा रेकमेंड किया था, और जब ये लाल लहंगा बना तो हमारी सारी शॉप का एक, हमारे सब डिजाइनर्स का एक ये सोच थी कि हमेशा ये पहने तो और भी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि जनरली ब्राइड्स यू नो ये पूरा लाल के ऊपर लाल काम किया गया है, जनरली हम लाल के ऊपर गोल्ड काम करते हैं या एकदम चमक, तो इसमें ना लड़की उभर करके आती है, कपड़े तो खूबसूरत है ही पर लड़की उभर के आती है, नहीं तो जनरली क्या हो जाता है कि जब कपड़े बहुत लाउड हो जाते हैं तो लड़की नहीं उभर सकती। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये लहंगा बनाया, मैंने बोला अमीषा उभर के आएगी इसमें, बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत ही हुआ, रिजल्ट ऐसा ही हुआ, जहाँ भी मैं चल रही हूँ वहाँ हर कोई मुझे बोला आप इतने अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे खास लग रहे हो, माय गॉड किसे बनाए, किसे बनाए, किसे बनाए। तो ऑफ कोर्स सब क्रेडिट अर्चना जी को जाता है, और आई थिंक दिस वन ऑफ द बेस्ट गार्मेंट्स आई हैव वॉर्न। बहुत जल्दी इस साल के फर्स्ट हाफ में ही आप मेरी दोनों फिल्में, देसी मैजिक जो अमीषा पटेल प्रोडक्शंस की कंपनी, मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म, और फिर सनी देओल के साथ गदर के बाद फिर से आ रहे हैं भैया जी सुपरहिट में, तो ये दोनों फिल्में जुलाई अगस्त तक रिलीज हो जाएंगी, और उसके बाद सो बहुत काम है, बहुत काम करना है। और अर्चना जी भी फिल्मों के लिए मेरे लिए डिजाइन कर रहे हैं, उन्होंने काफी मेरे एंडोर्समेंट शूट किए हैं, तो हमारी जर्नी अब बहुत खूबसूरती से स्टार्ट हुई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जर्नी अर्चना जी के साथ स्टार्ट हुई है। दुल्हा तो ढूंढ लो पहले, दुल्हा ही नहीं है तो शादी कहाँ से करूँगी। आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज ज्वेलरी, यू नो दे से डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, बट आई थिंक डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, एवरीथिंग आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। और आई डोंट थिंक ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो लड़की हो या आप एक आदमी को भी ले लो, वो कम से कम चेन या घड़ी तो पहनता है, यू नो। तो ज्वेलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर स्पेशली, और इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू अवार्ड द पीपल दैट हैव वर्क सो हार्ड, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल योर हार्ड वर्क। लास्ट क्वेश्चन है, जब ज्वेलरी की बात हो रही है तो कोई ऐसी ज्वेलरी है जो हमेशा हमेशा कैरी करती हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी दादी माँ जो 5 साल पहले गुजर गए थे, उन्होंने मुझे उनके, वो महाराष्ट्र थे और महाराष्ट्र में वो टिपिकल डायमंड के इयर रिंग्स पहनते हैं जिनके छोटे से फूल होते हैं, उन्होंने मुझे एक दिवाली पे गिफ्ट किए थे,
और वो मेरे लिए कोहिनूर से भी ज्यादा प्रेशियस है क्योंकि दारी माँ की आशीर्वाद है और बहुत बहुत प्यार से उन्होंने मुझे दिया था, बहुत आशीर्वाद से. तो वो मुझे लगता है कि वो ज्वेलरी किसी भी महंगे से महंगे ज्वेलरी को बीट नहीं कर सकती. जस्ट वन मोर क्वेश्चन श्रीधर जी, व्हेन अ सेलिब्रिटी लाइक अमीषा पटेल वॉक्स द रैंप ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, व्हाट डू यू थिंक, आई मीन हाउ मच डज इट गिव मोर रिकॉग्निशन और पुश टू द एंटायर कॉज? सी फर्स्ट ऑफ ऑल अमीषा जी हैज वेरी क्लियरली सेड ज्वेलरी इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर लेडीज एंड such a beautiful lady with a beautiful jewelry, uska jabra jewelry ka aur uska 10 guna zyada beautiful ho gaya. We know it is extremely good, but the moment Ameesha ji when she wore it, it was outstanding. Humko bhi are wah, iska gift kar rahe sir aap log. Sir Ameesha ji khud aap ne ye bahut hi acha kaha, very good, very good. Yahan pe aaye to unka kuch samman rakhne ke liye kuch samman to kar diya hai, sir par aur extra karenge. Thank you so much. Ameesha ji, jaise ki aapne kaha ki aapke liye dulha dhoondna hai, to kya qualities अगर आपके लिए की लिस्ट करना है, क्वालिटीज तो बहुत होनी चाहिए, वो मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी.